दोस्तों आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में, जिस फोन में हमको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G जैसा तगड़ा प्रोसेसर और उसके साथ ही साथ बैक में क्वाड कैमरास का इम्प्लीमेंट और 5G का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में, क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक कितने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक जो आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ। और दोस्तों इस फोन में हमको दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करता हूँ इसके फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डबल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा। और उसके साथ ही दोस्तों इस फोन में हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए डबल पंच होल सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके रैम वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 रैम वेरियंट 6GB के साथ 128GB रोम, 8GB के साथ 128GB रोम भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G जैसा तगड़ा प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है जो कि एक 5G चिपसेट प्रोसेसर है और अच्छा गेमिंग प्रोसेसर भी है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करूँ इसके रियर साइड के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा, यानी कि दोस्तों इस फोन के रियर साइड में आपको 4 कैमराज का इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करता हूँ इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है डबल पंच होल सेल्फी कैमरा, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 32 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का डेप्थिंग सेंसर भी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छी सेल्फी खींचने के लिए हेल्प करने वाला है। और उसके साथ ही साथ अगर बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000mAh का बैटरी जो कि आने वाला है 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और इसका फास्ट चार्ज इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और ये फोन आपका 30 मिनट में फुली चार्ज होने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5mm एडी हो जाए, और इसके साथ ही दोस्तों NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 6128GB वाला वेरिएंट आपको लगभग मिल सकता है 15 से 18 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 15 हज़ार के प्राइस में मिल जाता है वेलकम स्नैपड्रैगन 730G जैसा तगड़ा प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट और उसके साथ ही साथ बैक में क्वाड रियर कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमरा और प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर वाले कैमरा सेंटिक फोन चाहिए, तो शायद ये फोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो ये फोन 27 फरवरी को लॉन्च होगा इंडिया में। दोस्तों यही था ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।